BF3 इज नॉन पोलर बट NH3 इज पोलर. एक सिंपल एग्जाम्पल मैंने लिया अभी जस्ट टू एक्सप्लेन. जैसे कॉमनली जो एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चंस का पैटर्न होता है, उनको लेकर बात हो रही है. BF3 इज नॉन पोलर बट NH3 इज पोलर. देखिए, डायपोल मोमेंट इज प्रैक्टिकली डिटरमाइंड. तो ये जो पोलैरिटी या नॉन पोलैरिटी है, इसको आप प्रैक्टिकली डिटरमाइन कर सकते हैं. यू हैव अ प्रॉपर्टी टू मेजर दिस थिंग एंड दैट इज डायपोल मोमेंट. सो प्रैक्टिकली वी कैन डिटरमाइन डायपोल मोमेंट. प्रैक्टिकली वी कैन डिटरमाइन द नेचर ऑफ मॉलिक्यूल एज नॉन पोलर और पोलर. बट नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज द थ्योरेटिकल कनेक्शन? इसको आप थ्योरेटिकली कनेक्ट कैसे करेंगे? तो रीजनिंग वाले क्वेश्चंस में आ जाता है कई बार. रीजनिंग वाले क्वेश्चन में यदि ये चीज आती है तो थ्योरेटिकली इसका कनेक्शन आपको शेप से बनाना है. BF3 इज अ ट्रायंगुलर प्लानर मॉलिक्यूल. आप इसमें बोरॉन का sp2 हाइब्रिड स्टेट बताएं. ट्रायंगुलर प्लानर है ये. डायपोल मोमेंट कैंसलिंग इफेक्ट के साथ जीरो. NH3 नाइट्रोजन इज sp3 हाइब्रिड बट दिस टाइम नाइट्रोजन हैज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो द मॉलिक्यूल इज ट्राइंगुलर पिरामिडल. ट्राइंगुलर पिरामिडल होने के कारण क्या होगा? नो कैंसलिंग इफेक्ट. वी विल गेट सम रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ डायपोल मोमेंट इन दिस एग्जाम्पल सिंपली ऑन द बेसिस ऑफ शेप. अब मैंने अलग से कोई हेडिंग देकर आपको डायपोल मोमेंट के एप्लीकेशंस नहीं बताए हैं, लेकिन इस टॉपिक के साथ में ऑटोमेटिकली ये कवरअप हो रहा है. प्रैक्टिकली यू कैन नॉट लुक एट द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल. आपको किसी मॉलिक्यूल का शेप दिखाई नहीं दे रहा है प्रैक्टिकली. प्रैक्टिकली दीज आर द प्रॉपर्टीज जिसके बेसिस पर इनके शेप प्रूव होते हैं. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स. प्रैक्टिकली आप पोलर नॉन पोलर नेचर डिसाइड कर सकते हो और उसका थ्योरेटिकल कनेक्शन शेप के साथ बना सकते हो. प्रैक्टिकली वी कैन नॉट डिटरमाइन द शेप्स, राइट? सो थ्योरेटिकली जो हम शेप की बात करते हैं वो पोलर या नॉन पोलर नेचर ऑफ बॉन्ड से कनेक्ट की जा सकती है. मतलब दिस इज वन ऑफ द प्रॉपर्टीज जो ये प्रूव करती है कि BF3 एक ट्राइंगुलर प्लानर मॉलिक्यूल है. डायपोल मोमेंट इज वन ऑफ द प्रॉपर्टीज जो ये प्रूव करती है कि अमोनिया इज अ पिरामिडल मॉलिक्यूल, राइट? नॉट ओनली दीज टू, वी कैन हैव नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स. पूछने के तरीके भी कई सारे हो सकते हैं. नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में मॉलिक्यूल्स का डिफ्लेक्ट होना, दिस इज जनरली आस्क्ड. नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में मॉलिक्यूल्स का डिफ्लेक्शन, इट इज सिंपली ड्यू टू द पोलर नेचर. तो जितने भी लिस्ट ऑफ जो भी लिस्ट में पोलर मॉलिक्यूल्स की लिस्ट में एग्जांपल्स आते हैं, ये सभी मॉलिक्यूल्स के लिए कहा जा सकता है कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में अट्रैक्ट होंगे या डिफ्लेक्ट होंगे. बेटर टू से दे गेट डिफ्लेक्टेड इन द नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड. सो दीज आर डिफरेंट काइंड ऑफ लैंग्वेजेस जो इधर यूज की जाती हैं. मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग केस यहां पर बताना चाहूंगा. इट्स अ गुड कंपैरिजन बिटवीन द टू एग्जांपल्स. एक और केस लीजिए. इस बार मैं बात कर रहा हूं NH3 एंड NF3, ये टू डिफरेंट एग्जांपल्स की. NH3 एंड NF3 ये प्रीवियस ईयर IIT क्वेश्चन है. एक वैसे तो दो तीन बार इन एग्जांपल्स पर क्वेश्चंस अब तक आ चुके हैं, पर एक क्वेश्चन जो डायरेक्टली इन एग्जांपल्स को लेकर पूछा गया था वो कुछ इस तरह था कि विच आउट ऑफ द टू विल हैव अ हायर डायपोल मोमेंट एंड व्हाई. ये जो दो एग्जांपल्स हमारे सामने हैं
इसमें हायर डायपोल मोमेंट किसका होगा और क्यों होगा? अब यदि आप कुछ इसके आंसर तक पहुंचने के लिए कुछ इनपुट चाहते हैं तो वो मैं आपको देता हूं। नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन के बीच में जितना डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, लगभग उतना ही डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन और फ्लोरीन के बीच होता है। पॉलिंग स्केल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन 2.13 और 4 है। दीज आर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज। यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये वैल्यूज हैं, तो हम क्या यहां पर श्योरली ये बोल सकते हैं कि अप्रोक्स नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड में जितनी पोलैरिटी होगी उतनी ही N और F के बॉन्ड की पोलैरिटी होगी, क्योंकि डिफरेंस तो लगभग एक जैसा है। यदि डिफरेंस अप्रोक्स एक जैसा है, यानी बॉन्ड पोलैरिटी में फर्क नहीं है, लेट मी क्लैरिफाई वन मोर थिंग। डिस्टेंस, डिस्टेंस यानी बॉन्ड लेंथ। यू नो, लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में जब हम मूव करते हैं पोजीशन के हिसाब से एलिमेंट्स की, तो राइट में जाकर हैलोजन्स अपने अपने पीरियड में स्मॉलेस्ट इन साइज होते हैं। तो फ्लोरीन एटम हैज अ क्वाइट स्मॉल साइज, इनफ स्मॉल साइज होता है फ्लोरीन का। लगभग जितनी बॉन्ड लेंथ एनएफ बॉन्ड की होती है उतनी ही एनएच बॉन्ड की होती है। फ्रेंड्स, मैं आपको सिर्फ यह बताना चाहता हूं कि यहां न तो बॉन्ड पोलैरिटी में फर्क है, ना ही इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस में कोई मेजर डिफरेंस है। डिफरेंसेस आर देयर, आई डू एग्री, पर वो मेजर नहीं है, ना ही इवन शेप्स में कोई डिफरेंस है। दोनों ट्राइंगुलर पिरामिडल मॉलिक्यूल्स हैं। अमोनिया के स्ट्रक्चर में भी एक लोन पेयर के साथ पिरामिडल अरेंजमेंट ऑफ द थ्री हाइड्रोजन है, और NF3 में भी उसी तरह की सिचुएशन है। दिस इज द लोन पेयर आई हैव शोन। एक्चुअली उसको बताने का तरीका ऐसा इसलिए है कि जिससे ये क्लैरिफाई हो जाए यहां पर कि ये टेट्राहेड्रॉन के कॉर्नर पर है। यहां तक कि इनमें बॉन्ड एंगल में भी कोई मेजर डिफरेंसेस नहीं है। कुल मिलाकर मैंने आपको जो भी पॉइंट्स बताए उसमें कहीं भी मैं ये आपको इनपुट नहीं दे रहा हूं कि यहां किसी प्रकार का डिफरेंस आ रहा है। मैंने आपसे कहा कि बॉन्ड पोलैरिटी में डिफरेंस नहीं है, बॉन्ड लेंथ में डिफरेंस नहीं है, हाइब्रिड स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम में फर्क नहीं है, शेप्स एक जैसे हैं, बॉन्ड एंगल की वैल्यू में कोई एप्रिशिएबल डिफरेंस नहीं है, बट स्टिल वन थिंग इज कंफर्म कि इनमें डायपोल मोमेंट का बड़ा डिफरेंस होता है। एंड इफ यू हैव डिसाइडेड, यदि आपने सोचा है तो आप कंफर्म करिए कि इसका सही आंसर क्या है, क्या आपका आंसर इससे मैच होता है। देखिए, अमोनिया के स्ट्रक्चर में एज वी नो दैट नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो जो डायपोल मोमेंट के लिए आप डायरेक्शन बताएंगे इंडिविजुअल बॉन्ड्स के डायपोल मोमेंट की, इट विल बी टूवर्ड्स द सेंट्रल एटम, और सेंट्रल एटम के टूवर्ड्स ये जो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन बनती है उनका रिजल्टेंट लोन पेयर की डायरेक्शन में होता है। एक तरह से यहां पर डायपोल मोमेंट में एडिशन इफेक्ट काउंट किया जा सकता है कि लोन पेयर के डायपोल मोमेंट के साथ तीनों बॉन्ड्स के डायपोल मोमेंट ऐड हो रहे हैं। जबकि यहां पर सिचुएशन थोड़ी अलग बनती है, थोड़ी नहीं बिल्कुल अपोजिट बनती है। NF3 के स्ट्रक्चर में फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। यही कारण है कि यहां पर जो लोन पेयर का डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट है और तीनों बॉन्ड्स का है, ये अपोजिट इन डायरेक्शन होंगे। जो रिजल्टेंट ऑफ द थ्री बॉन्ड होगा ये लोन पेयर के अपोजिट होगा। एक तरह का कैंसलिंग इफेक्ट यहां लग रहा है। यहां पर जो कैंसलिंग इफेक्ट है ये डायपोल मोमेंट को बहुत डिक्रीज कर देता है, स्पेशली जब मैं अमोनिया से इसको कंपेयर कर रहा हूं। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वॉज अमोनिया हैज अ हायर डायपोल मोमेंट देन
NF3, and the reason is here. इसके बाद जैसे मैंने कहा कि ये examples लेकर previous year में कई बार questions आए हैं, national level competitive exams में questions repeat नहीं होते, लेकिन concepts का repetition जरूर होता है. ये दो examples पहले काफी पहले आ चुके थे, उसके बाद में comparison of dipole moment पूछा गया, BF3, NH3 और NF3 में order. यदि हम order की बात करें dipole moment की, तो दो example आपके सामने हैं. एक अभी मैंने इससे पहले explain किया, BF3 तो zero dipole moment वाला केस था, BF3 तो non-polar molecule है, zero dipole moment non-polar, जबकि ये दोनों polar हैं. But the polarity of NF3 is less, NH3 is greater. So we have the order. सबसे ज्यादा dipole moment ammonia में, उससे कम NF3, सबसे कम BF3 में होगा. In fact, zero ही है वो तो. So this way the questions can be, I mean the format can be changed using the same concept. तो concepts के repetition होते हैं. एक और अच्छा केस लेते हैं, आइए कुछ और एप्लीकेशंस ऑफ डायपोल मोमेंट और पोलैरिटी देखते हैं. प्लस वन लेवल के स्टूडेंट्स जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते हैं तो उनका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पोर्शन जनरली इनिशिएट नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं यहां पर कोशिश करता हूं. एक चीज मैं आगे वाली यूज कर रहा हूं इसलिए बता रहा हूं आपको. Let us consider a compound. This is 1,2-dichloroethene, जो अभी nomenclature और इन सारी चीजों से well familiar नहीं है, वो सिर्फ इतना समझ सकते हैं कि it's an organic compound which has two possible configurations. ये दो अलग अलग configurations of the same compound है. कंपाउंड इज सेम. इस कंपाउंड को हम बोलते हैं 1,2-dichloroethene. 1,2-dichloroethene में टू डिफरेंट कॉन्फिग्रेशंस पॉसिबल होते हैं. कॉन्फिग्रेशंस पॉसिबल होने से, कॉन्फिग्रेशन पॉसिबल क्यों होते हैं, क्योंकि ये एटम्स अपनी पोजीशंस पर फिक्स्ड होते हैं ऑटोमेटिकली बाय देयर ओन स्पॉन्टेनियसली. दे कैन नॉट चेंज देयर पोजिशन, सो दे हैव अ फिक्स्ड पोजिशन इन स्पेस. या तो 1,2-dichloroethene ऐसे कॉन्फिग्रेशन के साथ होगा या फिर ऐसे कॉन्फिग्रेशन के साथ होगा. अब कॉन्फिग्रेशनली जो ये अरेंजमेंट होती है उसे सिस और इस कॉन्फिग्रेशन को ट्रांस कॉन्फिग्रेशन कहा जाएगा. जैसा मैंने कहा कि यदि आप प्लस वन लेवल के स्टूडेंट हैं तो ये सारी चीजें आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखने को मिलेंगी. डिटेल्स इनके आपको वहां पर देखने को मिलेंगे. अभी हम बॉन्डिंग के पर्पस से सिर्फ इतनी बात पर फोकस करें कि ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें दो कॉन्फिग्रेशंस पॉसिबल होते हैं फॉर द सेम कंपाउंड, और इसमें जो सिस और ट्रांस कॉन्फिग्रेशंस हैं आप बड़े केयरफुली इजिली इस चीज को देखिए. यहां पर जब इंडिविजुअल बॉन्ड्स के डाइपोल की बात होगी, सीएच बॉन्ड इज ऑलमोस्ट अ नॉन पोलर बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ऑलमोस्ट नॉन पोलर होता है, तो पोलैरिटी कहां है खासतौर पे सीसीएल बॉन्ड में. यहां पर दो पोलर बॉन्ड्स एक दूसरे के अपोजिट में नहीं है, जैसे कि यहां सिचुएशन है. ये दो पोलर बॉन्ड्स की अपोजिट पोजिशन यहां पर डेवलप हो रही है. ऑब्वियसली ये जो ट्रांस आइसोमर होता है इसकी डायपोल मोमेंट की वैल्यू इसी वजह से जीरो, जबकि सिस में जीरो नहीं होती. आप जब अल्कीन्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे और ये सब चीजें आएंगी सामने, तो एक बहुत सिंपल सा कंक्लूजन निकलता है कि जितने सिमेट्रिकल अल्कीन्स होते हैं, सिमेट्रिकल अल्कीन्स, उसमें सिस आइसोमर्स हायर डायपोल मोमेंट वाले होते हैं, जबकि ट्रांस आइसोमर्स
लोअर डाइपोल मोमेंट या जीरो डाइपोल मोमेंट वाले होते हैं। यदि सिमेट्रिकल अल्कीन है तो ट्रांस आइसोमर का डाइपोल मोमेंट जीरो होगा, यदि वो सिमेट्रिकल नहीं है तो वो लेस होगा कंपेयर टू सिस। वंस अगेन, इन दोनों केस में पोलैरिटी के इस डिफरेंस के कारण बॉइलिंग पॉइंट में भी फर्क होता है। यूजुअली द सिस आइसोमर हैज अ हायर बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर टू ट्रांस, क्योंकि यहां जो पोलैरिटी होती है वो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन को इंक्रीज कर देती है, जबकि इनका नॉन पोलर नेचर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को एक रेगुलर फोर्सेस के फॉर्म में ही रख पाता है। तो यहां पर वीक वैंडरवॉल अट्रैक्टिव फोर्सेस ही सिर्फ काम करते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के फॉर्म में, जबकि यहां पर डाइपोलर इंटरैक्शंस भी वर्क करने लगती हैं। तो अलोंग विद द वैंडरवॉल फोर्सेस यहां डाइपोलर इंटरैक्शंस भी काम करते हैं और वो इस फॉर्म का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा देते हैं। बट फिर एक इंटरेस्टिंग बात है कि जब हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट इस बात पर भी डिपेंड करता है कि सॉलिड स्ट्रक्चर के अंदर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर अरेंजमेंट या क्लोज पैकिंग कैसी है। यूजुअली ट्रांस आइसोमर्स दे फिट बेटर इनटू द क्रिस्टल लेटाइस, जो सॉलिड स्ट्रक्चर बनता है उसमें ट्रांस स्ट्रक्चर्स बेटर फिट होते हैं, ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, ये एक बेटर अरेंजमेंट में होते हैं, जिसकी वजह से जब आप मेल्टिंग पॉइंट का कंपैरिजन करेंगे तो ट्रांस आइसोमर विल हैव अ हायर मेल्टिंग पॉइंट। ऑफ कोर्स इनको लेकर भी बहुत सारी चीजें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको कनेक्शन में मिलेंगी विथ सम ऑफ द एक्सेप्शनल केसेस ऑल्सो, तो उन चीजों को मैं यहां पर ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। जस्ट आई हैव टेकन अ फ्यू केसेस जहां पर मैंने एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में अल्कीन में सिस और ट्रांस आइसोमर को लेकर कुछ पॉइंट्स आपको डायपोल मोमेंट के कनेक्शन वाले बताए। आइए इसी तरह से एक और चीज देखें, एक और एग्जाम्पल देखें। यह भी प्रीवियस ईयर एग्जाम्पल्स जो एग्जाम्स में आ चुके हैं उन्हीं में से मैंने सिलेक्ट किया है। देखिए, एज वी नो 6 कार्बन एटम्स इन द साइक्लिक स्ट्रक्चर विथ 3 पाई बॉन्ड्स मीन्स 3 डबल बॉन्ड्स ऑल्टरनेटिंग पोजिशन। अभी मैंने क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग में रेजोनेंस वाला पार्ट इंक्लूड नहीं किया है, इसलिए मैं बेंजीन का इस तरह का स्ट्रक्चर बताकर उस पर 2 क्लोरीन एटम्स को प्लेस कर रहा हूं। स्टडी मटेरियल बुक्स वगैरह आप जब फॉलो करते हैं तो बेंजीन के स्ट्रक्चर में इस तरह की पाई बॉन्डिंग की जगह ऐसे रिंग शो की होती है, पर यह कंसेप्ट आप तभी समझ पाएंगे जब आपने रेजोनेंस फेनोमेना पढ़ा हो। सो आई एम नॉट डिस्टर्बिंग द थिंग्स इंक्लूडिंग दिस पॉइंट, मैं आपको सिंपली जैसा आप इस लेवल पर बेंजीन को जानते हैं वैसा ही इसको ड्रॉ कर रहा हूं। बस आप तीनों में फर्क देखिए, बेंजीन मतलब 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन, पर मैंने यहां क्या किया है, 2 हाइड्रोजन आर रिप्लेस्ड बाय 2 क्लोरीन। अब आप उनकी पोजीशन में फर्क देख रहे हैं, ये तीनों कंपाउंड डाइक्लोरो बेंजीन है, डाइक्लोरो बेंजीन, क्लोरीन 2 क्लोरीन एटम्स ऑन बेंजीन, और तीनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए क्लोरीन की पोजीशन बताई जाती है। तो नेमिंग में आप इसको 1-2, इसे 1-3 और इसे 1-4 डाइक्लोरो बेंजीन बोल सकते हैं। तो सभी में नाम डाइक्लोरो बेंजीन होगा, बट इसके साथ जो प्रीफिक्स यूज होगा वो ये नंबर्स होंगे। यहां 1-2 मतलब एडजेसेंट पोजीशंस पर क्लोरीन है, 1-2 पोजीशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑर्थो, 1-3 एज मेटा एंड 1-4 एज पैरा। इट्स वेरी सिंपल, कंपैरिजन हमें डाइपोल मोमेंट का करना है। द टॉपिक इज अबाउट पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड्स एंड द मॉलिक्यूल्स, डाइपोल मोमेंट के बारे में हमें बात करनी है।
और मुझे लगता है कि आप बड़े आसानी से यहां पर एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं। चलिए, अभी हम भले ही ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से या इन कंपाउंड से बहुत फैमिलियर नहीं होंगे, लेकिन एटलीस्ट इनके स्ट्रक्चर को देखकर आप एक इजी कंक्लूजन निकाल सकते हैं। यहां पर यदि क्लोरीन नहीं होते तो इट वुड बी अ सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर मतलब डायपोल मोमेंट वुड बी जीरो। तो बेंजीन का तो डायपोल मोमेंट जीरो है, पर क्लोरीन के अटैच होने से ये बॉन्ड पोलर है, ये बॉन्ड पोलर है। अब दोनों पोलर बॉन्ड्स के बीच का एंगल यहां 60 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री। एंगल जैसे जैसे इंक्रीज होगा रिजल्टेंट वैल्यू वैसे ही डिक्रीज होगी। वेक्टर एडिशन की बात हो रही है, आप थीटा कंपेयर कर रहे हैं। यहां पर एंगल 60 डिग्री है, 120 डिग्री है, 180 डिग्री है। यह तो क्लियर ही है कि यहां पर 180 डिग्री एंगल के कारण दोनों वेक्टर्स एग्जैक्टली अपोजिट होने के कारण डायपोल मोमेंट रिजल्टेंट वुड बी जीरो। ये दो नॉन जीरो वैल्यू के साथ होंगे, और यदि हम डायपोल मोमेंट का कंपेरिजन कर रहे हैं तो इट विल बी इन द ऑर्डर ऑर्थो या 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन का मैक्सिमम होगा और 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन का मिनिमम या जीरो कही है। ये नॉन पोलर होगा। आईआईटी में जब इसका क्वेश्चन आया था तो अलोंग विद दीज थ्री एग्जांपल्स एक फोर्थ और था कंपैरिजन में, और वो था टोलुइन। टोलुइन बोलते हैं मिथाइल बेंजीन को, मतलब बेंजीन में जब एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एक मिथाइल ग्रुप अटैच्ड हो, दिस इज टोलुइन। नाउ व्हेन द क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन आईआईटी, ये इन तीन के साथ में टोलुइन को भी कंपैरिजन में डाला गया था। आप सोचिए, इन तीनों का ऑर्डर तो हमने सिंपली एंगल देखकर पहचान लिया कि क्या होना चाहिए, लेकिन यदि टोलुइन भी वहां पर है तो आप कैसे कंपेयर करेंगे, या टोलुइन को आप कहां फिट करना चाहेंगे? थोड़ा सा सोचिए आप इसके बारे में, आंसर देता हूं मैं। देखिए, द टू कार्बन एटम्स बॉन्डेड विथ ईच अदर, ये बॉन्ड तो नॉन पोलर होना चाहिए। CH बॉन्ड भी ऑलमोस्ट नॉन पोलर होता है, ऑलमोस्ट। लेकिन ये एंटायर स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल नहीं है। ये सिमेट्रिकल नहीं होने के कारण परफेक्टली नॉन पोलर या डायपोल मोमेंट जीरो वाला केस तो नहीं है। इट विल हैव पोलैरिटी, बट द पोलैरिटी विल बी जस्ट अ स्लाइट पोलैरिटी, क्योंकि एक तो कार्बन कार्बन बॉन्ड है और बाकी तीन CH बॉन्ड है यहां पर, जो अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं। तो यहां जो डायपोल मोमेंट आएगा वो सिर्फ सिमेट्री ना होने के कारण होगा। यहां बहुत ज्यादा डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से कोई इफेक्ट नहीं है। सो ऑब्वियसली टोलुइन एग्जाम्पल को इस बेसिस पर आप कहां रखना प्रेफर करेंगे? जीरो नहीं है बट जीरो से बहुत क्लोज है, मतलब यहां रखा जाएगा। ऑर्थो विल हैव मैक्सिमम, मेटा विल हैव लेस देन दैट, टोलुइन वुड बी इन बिटवीन दीज टू एग्जाम्पल्स, और ये तो परफेक्टली जीरो ही है। सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड एंड यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस डायपोल मोमेंट में। और एप्लीकेशंस की जहां तक बात है तो मैं आपको एक और एप्लीकेशन इसका बता दूं। जैसे मैंने टॉपिक की शुरुआत में आपसे कहा कि हम एक टॉपिक पढ़ते हैं पोलराइजेशन आयनिक कंपाउंड्स का, उसमें हम बताते हैं कि आयनिक कंपाउंड में कितना कोवेलेंट कैरेक्टर है, और अभी जो टॉपिक चल रहा है यह है एक कोवेलेंट कंपाउंड में कितना आयनिक कैरेक्टर है पोलैरिटी की टर्म्स में, बॉन्ड पोलैरिटी की टर्म्स में। तो जब इस मैटर को आपको डिटरमाइन करना हो तो यू कैन यूज अ फॉर्मूला फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ
ionic character in the covalent compounds, ionic nature of covalent molecules. इसके लिए आप सिंपली फॉर्मूला यूज करें, परसेंटेज आयोनिक नेचर इज इक्वल टू द ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ डायपोल मोमेंट इनटू 100 बाय द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ डायपोल मोमेंट. जो कैलकुलेटेड डायपोल मोमेंट है वो 100% आयोनिक के लिए कैलकुलेटेड होना चाहिए. मतलब यू हैव टू अज्यूम द पर्टिकुलर मॉलिक्यूल एज 100% आयोनिक और तब उसका डायपोल मोमेंट आप एक थ्योरेटिकल वैल्यू निकाल लें, अज्यूमिंग द पर्टिकुलर मॉलिक्यूल टू बी 100% आयोनिक और जो ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट है उससे आप इसको कंपेयर करें इस तरह. सो यू कैन गेट द परसेंटेज आयोनिक नेचर. जब आप कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ 100% आयनिक कंपाउंड आप निकालेंगे तो बी वेरी केयरफुल, इसमें आपको चार्ज की वैल्यू यूनिट चार्ज लेना है, क्योंकि जब आप म्यू कैलकुलेटेड निकालेंगे 100% आयनिक वाला तो आपको पता है कि डायपोल मोमेंट इज चार्ज इनटू डिस्टेंस. तो डिस्टेंस तो आपने लेना है बॉन्ड लेंथ, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस मतलब बॉन्ड लेंथ. लेकिन जो आप यहां चार्ज की वैल्यू लेंगे वो चार्ज यूनिट चार्ज लेना है. क्यों? क्योंकि जब कंपाउंड आयनिक ट्रीट हो रहा है तो देयर इज अ ट्रांसफर, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वहां पर, और ट्रांसफर के लिए आप चार्ज सेपरेशन कितना लेंगे, यूनिट चार्ज का सेपरेशन प्लस वन माइनस वन. तो यूनिट चार्ज की वैल्यू आप अप्रोप्रिएट यूनिट में डालें. आई मीन टू से जैसे आपको ESU सेंटीमीटर में रखना है तो चार्ज मस्ट बी द यूनिट चार्ज इन ESU. व्हाट इज द यूनिट चार्ज इन ESU, डू यू नो इट? It is 4.8 into 10 to the power minus 10. I repeat, unit charge is 4.8 into 10 to the power minus 10 ESU. So on that basis, you can calculate the calculated 100% calculated dipole moment for 100% ionic. Now along with this, जैसा मैंने कहा कि अब केमिकल बॉन्डिंग में वन आफ्टर द अदर बहुत सारी कनेक्टिविटीज बन गई हैं, शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स, फिर उनसे बॉन्ड प्रॉपर्टीज को रिलेट करना, और बॉन्ड प्रॉपर्टीज के बाद में एप्लीकेशन लेवल तक हम पोलर नॉन पोलर के फॉर्म में पहुंच चुके हैं. टॉपिक में अब इसके बाद जो पार्ट इंक्लूड होना है उसमें हम इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करेंगे और वन मोर थियरी टू एक्सप्लेन कोवेलेंट बॉन्डिंग इसी के साथ कवर अप होगा. That will be in molecular orbital theory. Thank you.